हेलो फ्रेंड्स, फीफा स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं बैंक एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हर रोज़ वीडियोस लाता रहता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं IBPS RRV, IBPS ऑफिसर असिस्टेंस, और ये जो एग्ज़ाम आने वाले हैं अपकमिंग, जैसे अब 13 या 14 तारीख से IBPS PO चलने वाला है, ठीक है, और IBPS RRB ऑफिसर असिस्टेंस का मेंस भी होने वाला है, उसमें भी इंग्लिश का जो सेक्शन होता है वो इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, द स्वीट्स वर शेयर्ड बिटवीन और अमोंग द टू ब्रदर्स। तो ये जो प्रपोजिशंस का क्वेश्चन है, इसके अंदर हम जो बात करने वाले हैं बिटवीन और अमंग्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें बिटवीन और अमंग्स जो होता है, बिटवीन का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? बिटवीन का जो प्रयोग होता है वो टू पर्सन्स के लिए होता है। ठीक है, जब जहाँ पर दो पर्सन्स की बात होती है वहाँ पर बिटवीन्स का प्रयोग होता है। और अब बात करते हैं अमंग्स। अमंग्स का जो प्रयोग होता है वो दो से अधिक के लिए, ठीक है, दो से अधिक के लिए जो होता है वो अमंग्स का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो टू ब्रदर्स की हो रही है। जब टू ब्रदर्स की बात हो रही है तो यहाँ पर दो जन की बात हो रही है, तो जब दो जनों की बात होती है तो वहाँ पर हम बिटमीन्स का प्रयोग करते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है बिटमीन्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम अगले क्वेश्चंस की ओर चलने वाले हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की जब ओर चलते हैं तो यहाँ पर आता है बिटमीन्स बिसाइड्स एंड बिसाइड्स। हम बिसाइड्स का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? ठीक है, ये बात करने वाले हैं बिसाइड्स का प्रयोग कैसे करते हैं। बिसाइड्स यहाँ पर जो क्वेश्चंस है वो बिसाइड्स फूड द पिलग्रिम्स टुक सम मेडिसिंस। ठीक है, तो बात करने वाले हैं बिसाइड का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, BESID E। ठीक है, बिसाइड का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो बिसाइड का जो प्रयोग होता है वो के बगल में, बिसाइड का प्रयोग जो होता है वो के बगल में के सेंस में होता है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं बिसाइड्स, BESID E S, बिसाइड्स। बिसाइड्स का जो प्रयोग होता है वह के अलावा या के अतिरिक्त के सेंस में होता है। ठीक है, बिसाइड्स का जो प्रयोग होता है वो के अतिरिक्त या के अलावा के सेंस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर बिसाइड और बिसाइड्स फूड द पिलग्रिम्स टुक सम मेडिसिंस। तो यहाँ पर जो प्रयोग होने वाला है वो होने वाला है बिसाइड्स, क्योंकि फूड्स और मेडिसिंस के जो बारे में ये यहाँ पर जो सेंस निकल रहा है वो के अलावा। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रयोग होने वाला है वो बिसाइड्स का प्रयोग होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर ये टिक सही होने वाला है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, ही एंटर इन या इनटू द बैंक्स। तो यहाँ पर जो एंटर के संग, ना तो यहाँ पर इन का प्रयोग होगा ना ही यहाँ पर इन टू का प्रयोग होगा। ठीक है, तो एंटर्ड के संग कुछ भी प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये सेंस एग्जाम में आते रहते हैं। एंटायर के संग इन लगा दिया, इन टू लगा दिया। एंटायर्ड जो होता है वो सिंगल ही यूज होता है। इसके बाद बात करते हैं ही वॉक्ड इन या इन टू द बैंक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रयोग होने वाला है वो इन टू का प्रयोग होने वाला है, ही वॉक्ड इन टू द बैंक। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। अगला जो क्वेश्चंस है, द फैन इज ओवर या एबव माई हेड, इसके बारे में। तो अब हम ओवर का जो प्रयोग करते हैं वो किस सेंस में करते हैं? ओवर का जो प्रयोग होता है वो वर्टिकल्स
वर्टिकल्स पोजीशंस बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, ओवर का जो प्रयोग होता है वो वर्टिकल सेंस बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, और जो एबव का जो प्रयोग होता है, सॉरी, जो एबव का जो प्रयोग होता है वो हॉरिजॉन्टल, HORIZONTALLY, हॉरिजॉन्टल के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, एबव का जो, ओवर का जो प्रयोग होता है वो वर्टिकल सेंस में होता है, एबव का जो प्रयोग होता है वो हॉरिजॉन्टल सेंस में होता है। तो यहाँ पर जो मिलने वाला है वो ये मिलने वाला है, द फैन इज ओवर एबव माई हेड। तो यहाँ पर जो सेंस निकल रहा है वो वर्टिकल सेंस निकल रहा है। जब वर्टिकल सेंस निकल रहा है तो यहाँ पर जो प्रयोग होने वाला है, यहाँ पर ओवर का प्रयोग होने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्या है कि देयर इज़ ए कैट बिलो या अंडर द चेयर। अब बात करने वाले हैं हम बिलो। ठीक है, बिलो का जो प्रयोग होता है, बिलो बिलो का प्रयोग होता है लेवल बताने के लिए। और लेवल भी कैसा, वही हॉरिजॉन्टल वाला लेवल। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करते हैं अंडर, अंडर का जो मीन्स होता है वो हाइट्स के सेंस में होता है। ठीक है, लेकिन हाइट कैसी, हाइट जो वर्टिकल्स, वर्टिकल्स हाइट्स के सेंस में। ठीक है, वर्टिकल इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनना है वो देयर इज़ ए कैट बिलो अंडर द चेयर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस, जो अंडर, यहाँ पर अंडर का प्रयोग किस सेंस में होता है, अंडर जो लगाते हैं, जैसे कि अंडर, जैसे मान के चलो अंडरग्राउंड, तो वहाँ पर अंडर किसी चीज़ के नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर देयर इज़ ए कैट बिलो अंडर द चेयर। अब जो कैट है वो चेयर के नीचे है। ठीक है, तो अंडर का जो प्रयोग होता है वो किसी ना किसी चीज़ के नीचे, आई एम सॉरी, किसी ना किसी चीज़ के नीचे के सेंस में प्रयोग होता है अंडर। ठीक है, इसके बाद हम जो बात करने वाले अगर है वो है द सन सेट बिलो अंडर द होरिजन। अब मैंने हवाल क्या बताया जा कि जब बिलो का जो हम प्रयोग करते हैं तो वो किसी ना किसी लेबल बताने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर सन जो हॉरिजॉन्टल्स के सेंस में, नीचे के सेंस में, जो आंसर जो होगा यहाँ पर द सन सेट बिलो, यहाँ पर जो आंसर होगा वो बिलो द हॉरिजन्स के सेंस में होगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद कुछ फिक्स प्रपोजिशन सोचे हैं, जैसे कि डिस्पोज। डिस्पोज के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है इंस्टीट। इंस्टीट्स के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन सामने, ठीक है, तो वहाँ पर डिस्पोज दे रहा कि वो डिस्पोज के संग कुछ ना कुछ अलग सेंस में दिया जा सकता है। ठीक है, ऑफ भी दी जा सकती है, ऑन भी दी जा सकती है। तो वहाँ पर जब हम डिस्पोज जब कहीं भी आपको मिलता है तो वहाँ पर ऑफ का प्रयोग होता है। बात करते हैं इंस्टीट। इंस्टीट के संग हमेशा ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कभी कभार मिल जाता है फुट, फुट के संग बाई लगा कर दे देते हैं, लेकिन फुट के साथ रियल में जो आंसर है वो फुट के साथ ऑन का प्रयोग होता है। बात करते हैं परसिस्ट। परसिस्ट के साथ इनका प्रयोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ आज की क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद, टाटा।